రోజుల్లో తమ ప్రభుత్వం మరోసారి ఏర్పడబోతోందని అన్నారు ప్రధాని మోదీ. ఎన్డీఏ తప్పకుండా 400 సీట్లకు పైగా గెలుస్తుందని అన్నారు. లోక్సభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ విపక్షాలపై మండిపడ్డారు. బీజేపీపై పోటీ చేయడానికి విపక్షాలు భయపడుతున్నాయని అన్నారు. ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా కాంగ్రెస్ తీరు మాత్రం మారలేదని అన్నారు. కాంగ్రెస్ కో एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए. और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए. इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए. हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए. उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए. यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी. और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्षी बहुत जरूरत है. परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है. अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है.